अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपको आजकल एक एडवर्टाइजमेंट देखने को बहुत मिल रहा होगा कि चैनल्स को देखने के लिए 29 दिसंबर से पहले अगर आपने ऑपरेटर से कांटेक्ट नहीं किया तो आपके ये चैनल बंद हो जाएंगे। लेकिन लोगों के बीच ये गलत न्यूज़ फैल गई है कि अगर वह अपने केबल ऑपरेटर या डीटीएच प्रोवाइडर से संपर्क नहीं करेंगे तो उनका टीवी 29 दिसंबर से ब्लैकआउट हो जाएगा। ट्राई ने देश के सभी केबल टीवी उपभोक्ताओं को भरोसा दिलाया है कि 29 दिसंबर से आपका टेलीविजन ब्लैकआउट नहीं होगा और पहले की तरह ही सभी चैनल्स आते रहेंगे। केबल टीवी और डीटीएच सेवा की नई स्कीम में शिफ्ट होने के लिए उपभोक्ताओं को पर्याप्त समय दिया जाएगा। ट्राई ने इन सभी डीटीएच सेवा प्रदाता कंपनियों को आश्वस्त करने को कहा है कि 29 दिसंबर के बाद भी सभी चैनल आते रहेंगे। ट्राई ने बुधवार को इस मामले में एक नोटिफिकेशन जारी कर सभी उपभोक्ताओं को निश्चिंत रहने का भरोसा दिया है। ट्राई ने कहा है कि नई स्कीम के तहत अपने चैनल्स का चुनाव करने के लिए आपको पर्याप्त समय दिया जाएगा और ट्राई इस काम के लिए अलग से समय सीमा निर्धारित करेगा। नई स्कीम के तहत सभी उपभोक्ताओं को अपनी मर्जी के मुताबिक के चैनल चुनने का अधिकार होगा और ऑपरेटर्स उनसे उन चैनल के मुताबिक शुल्क लेंगे। सभी टीवी उपभोक्ताओं को कई ऐसे चैनल भी लेने पड़ते हैं जिनकी उनको जरूरत भी नहीं होती, लेकिन चैनल पैक के बुके में शामिल होने की वजह से उन्हें ऐसा करना पड़ता है। नई स्कीम के लागू होने से उपभोक्ता पहले के मुकाबले आधे दाम में अपनी पसंद के चैनल देख पाएंगे, लेकिन डीटीएच प्रोवाइडर कंपनी किसी भी तरीके से ट्राई के इस फैसले को टालना चाहती है। लेकिन इसमें खुशी की बात यह है कि अब डीटीएच सर्विस प्रोवाइडर के पास कोर्ट जाने का भी रास्ता नहीं बचा है। इस साल अक्टूबर के अंत में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर ही उपभोक्ताओं को नई स्कीम में शिफ्ट किया जा रहा है। फिलहाल ट्राई की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि 29 दिसंबर के बाद भी आपके चैनल बंद नहीं होंगे। ये अपडेट आपको देना बहुत जरूरी था। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इससे रिलेटेड आपके जो भी सवाल हैं वो उसे क्लियर करूंगा। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट अपडेट के लिए चैनल के साथ बने रहें और अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि नेक्स्ट अपडेट जब भी हम अपलोड करें आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।